मेडिकल कॉलेज गांधीनगर में हमने मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, बिकॉज कोविड पेशेंट वहाँ कोलैप्स कर रहे थे. इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो चुका था, जबकि कोविड इतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना स्ट्रेस उनको इम्पैक्टफुल था. इस दुनिया में हमने इतने ज़्यादा टैबू क्रिएट कर लिए हैं ताकि उनके बारे में हम बात ही ना कर सकें, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हो, दिमाग को रिलेटेड कोई बीमारी हो. क्योंकि जब भी कोई दिमाग को रिलेटेड बीमारी हम बात करते हैं तो हम सीधा ये कह देते हैं कि ये शख्स जो है वो पागल है, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए. पर हम शायद ये भूल जाते हैं कि हमारी सेहत के साथ साथ हमारी दिमागी सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अगर कभी हमें पेट में दर्द हो या टांग में दर्द हो हम उस समय डॉक्टर के पास जाते हैं. वैसे ही जब हमारे सिर में अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, दिमाग में कोई भी परेशानी हो, उसी समय डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कीजिए. क्योंकि अगर हम ये कंसल्ट नहीं कर पाते कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये लगातार बीमारियां बढ़ती जाती हैं और लास्ट में ऑप्शन क्या रहता है? सुसाइड. और फिर हम ये बोलते हैं कि लगातार सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं. कहीं ना कहीं ये टैबू ही है जो हमें कहीं ना कहीं रोकता है. पर कई ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो सामने आ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको टैबू नहीं रहने देंगे, इस पर बातचीत करेंगे और खुल के बातचीत करेंगे, ताकि ये शब्द जिस तरह से पैडमैन बनाने के बाद पीरियड्स में हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, अब हमारे दिमाग पर भी, हम दिमाग की वेलनेस पर भी हम उसी तरीके से बात करें. दिव्या जी मेरे साथ में मौजूद हैं और इन्होंने भी एक नया आइडिया लेकर आए हैं. आइडिया नया नहीं है, बातचीत तो होनी चाहिए थी, पर इन्होंने शुरुआत की है तो इसका क्रेडिट इनको देना बनता है. पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और वो क्रेडिट के आप हकदार भी हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम ये चीज़ मैंने शुरुआती तौर पर बात की, इतना ज़्यादा टैबू क्यों समझते हैं? दिमाग के रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हो उस पर बातचीत करने में इतनी हिचक क्यों, इतनी झिझक क्यों, क्यों हम बातचीत नहीं करना चाहते? जब आप कह रहे हैं दिमाग में कोई भी समस्या है, तो दिमाग हिंदी का एक शब्द है बट इंग्लिश में उसे कहा जाता है ब्रेन. ब्रेन बॉडी का पार्ट है, एक इंस्ट्रूमेंट है. माइंड बॉडी का पार्ट नहीं है. माइंड वो एक एलिमेंट है पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस का जो बॉडी को गवर्न करता है, एक इंटेलिजेंस जो उसको गवर्न करती है. अब वो इंटेलिजेंस कहीं यहाँ हैम्पर है, कहीं वहाँ हैम्पर है, लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा, तो क्या बताएंगे, क्या बात करेंगे? वो बोलेंगे जी हमारा दिमाग ख़राब है. सोच भी यही आती है, दूसरों को भी सोच यही आती है, खुद की भी सोच यही बन जाती है. तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जब हम दिमाग की बात कर रहे हैं, दिमाग सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे आपकी डिवाइस, लेकिन माइंड उससे बड़ा एक एलिमेंट है, वो कॉन्शियसनेस का एलिमेंट है जिसको फ्लरिश करना हमारा हक है. हम नहीं कर पा रहे हैं उसको. क्यों? क्योंकि हमने वो सीखा नहीं कैसे करना. एक दिन में 3 से 4 सुसाइड के अटेम्प्ट होना, सुसाइड हो भी जाना, इस तरह के कहीं फंदे लगाकर, कहीं यहाँ से सुसाइड मतलब छलांग मारकर, इस तरह से हो रही है. क्या आपके दिमाग में ये अब आया या इससे पहले ही आप सोच रहे थे कि नहीं इस पर बातचीत होनी चाहिए? मैं बहुत देर से सोच रही थी. जब सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई तब से ही मैं काम कर रही हूँ कोविड में. सिर्फ वो चीज़ सामने नहीं आ पाई क्योंकि हमने मीडिया में नहीं रखी, हम साइलेंटली काम कर रहे थे. जितने जम्मू एंड कश्मीर के, आप बिलीव नहीं करेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गांधीनगर में हमने मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, बिकॉज कोविड पेशेंट वहाँ कोलैप्स कर रहे थे. इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो चुका था, जबकि कोविड इतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना स्ट्रेस उनको इम्पैक्टफुल था. उसमें हमने काम किया है. जितने लोग थे हमने ओपन मेडिटेशंस रखे, हमने जम्मू यूनिवर्सिटी अप्रोच की, लोगों को जगह जगह जाके बोला कि हम ओपन मेडिटेशंस करवा रहे हैं, आप आइए, हमें गारंटी है 20 मिनट्स अ डे और आप सब ठीक हो जाएंगे. और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 3 to 4 months हमने लगातार सुबह शाम मेडिटेशंस करवाई हैं. और आज वो ग्रुप ऐसा बन चुका हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं लेकिन वो ऐसा बन चुका हुआ है कि लोग मिस करते हैं उसको. और आज भी, जैसे अब मैंने थोड़े दिन ब्रेक लिया हुआ था बिकॉज मैं अपने काम में थोड़ा ऑक्यूपाइड थी, आज भी लोग मुझे बोल रहे हैं जल्दी शुरू करो, डॉक्टर साहब बीमार हो रहे हैं. एनोबलर प्राइवेट लिमिटेड, जी ये किस तरीके से, क्योंकि आपने बता दिया कोविड में आपने किस तरह से काम किया, पर अब आने वाले समय में बाकी लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे. जी. क्योंकि अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना, वहाँ पर भी ये सब चलता रहता है, तो आम जनता अगर आपसे जुड़ना चाहे, ये प्राइवेट लिमिटेड किस तरीके से मदद करेगी उनके साथ और किस तरह से वो आपके साथ जुड़ जाए? देखिए, पहले तो हम फोकस करेंगे 1-on-1 कोचिंग्स में, पर्सनलाइज कोचिंग में, ताकि लोगों को हमारे पे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए. जैसे ही वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, हम बीट एंग्जाइटी के लाइव शोज कंडक्ट करवाया करेंगे अलग अलग जगह पे, ताकि लोग आएं, हमारे को सुने और हमारी ट्रिक्स लें. उसके बाद मेंटल जिम के ऊपर काम किया जाएगा. और साइमल्टेनियसली हम जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं. ये एक सवाल मेरे आपकी बातों से आ गया. जिम तो हमने सुना था, ये मेंटल जिम क्या है? क्योंकि जिम तो यही है कि हमने अपनी बॉडी जाई बनाई और नए नए टैग ले लिए, अपनी बॉडी फ्लॉन्ट कर दी, बट मेंटल जिम क्या है, कैसा है, क्या करेगा वो? देखिए,
बॉडी फ्लॉन्ट तो एक एस्पेक्ट होगा, आउटर एस्पेक्ट है, बट क्या है, मसल डेवलप करनी है, वैसे ही मेंटल मसल डेवलप करनी है। हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। फर्स्ट इज द लॉजिकल ब्रेन, सेकेंड इज द क्रिएटिव ब्रेन, जिसे हम कहते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग की जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग की जाती है। तो हम दोनों ब्रेन को एक बैलेंस्ड वे में, कुछ हमने एक्टिविटी बेस्ड बनाया है ये पूरा प्रोग्राम, जहाँ पर क्लाइंट आएगा, ग्रुप्स में उनको अलॉटमेंट की जाएगी और वो वहाँ पर अपनी मेंटल मसल को बिल्डअप करेंगे। लेट मी गिव एन एग्जांपल, लेट्स से कि यू मेट विद एन एक्सीडेंट, लेट मी टेल मी समथिंग दैट इज पॉजिटिव इन इट। अब बोलोगे यार एक्सीडेंट हो गया, अब मैं इसमें पॉजिटिव क्या बताऊँ, बट इफ़ यू गो बियॉन्ड इट यू विल से प्रोबेबली आई सेव्ड अ डॉग वाज पार्किंग यू वाज जस्ट क्रॉसिंग द रोड, और जो इम्पैक्ट का होना चाहिए हुआ, हो सकता था, उतना नहीं हुआ। सो मैंने उस पर्टिकुलर एक नेगेटिव एस्पेक्ट को काउंटर करके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया कि जो इम्पैक्ट हुआ उसको मैंने मेंटल लेवल पे कम किया और मैंने वाइडर पिक्चर देख ली, जो हो सकता था वो नहीं हुआ बट मैं बच गया। तो आपने अपने होराइजन ओपन अप कर दिए, आपने अपने न्यूरल पैटर्न्स जो आपके लिमिटेड स्फेयर में ही काम कर, बिकॉज हम हार्डली 20% ऑफ ब्रेन एबिलिटी यूज़ करते हैं, उसमें आपने ग्रोथ लाई, तो आपके नए नए न्यूरल पैटर्न्स खुलने शुरू हो गए, क्रिएटिविटी बढ़नी शुरू होगी, एक्सप्रेशंस आपके अच्छे होने शुरू हो गए और आप ऑफकोर्स आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, क्यों, अब आपके नए रास्ते खुल चुके होंगे। ऐसे कई जॉब्स हैं जहाँ पर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, क्योंकि अगर आपने सुना भी होगा, ये बोला भी जाता है कि जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, उस समय काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। फिर वहीं अगर बात की जाए, ऐसी और भी सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं जो पूरा दिन काम करती रहती हैं और शाम तक ये होता है कि अब हम क्या करें, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। सेम अगर वो 9 to 7 की जॉब, 9 to 5 की जॉब होती है, उसमें भी यही हाल रहता है। तो उनके लिए किस तरह का संदेश आपकी तरफ से रहेगा कि इस समय में भी जो आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है क्या? देखिए, एक सवाल मैं पूछूंगी इस सवाल के, लेबर क्लास को कितना स्ट्रेस होता है, जबकि लेबर क्लास का काम एक आम इंसान से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है। हम स्ट्रेस किसे कह रहे हैं? हम मेंटल लेवल के स्ट्रेस को कह रहे हैं, इसलिए मेंटल लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारी सर्विसेज अवेल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपने ही सिस्टम में रह के, अपने ही काम करने के कल्चर में रह के, किस तरीके से आप अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपनी एबिलिटी बढ़ाएंगे, स्ट्रेस कम होता जाएगा। स्ट्रेस मीन्स क्या, कि ये आपका पोटेंशियल है, आप इसको प्रेस कर रहे हो किसी और चीज़ से और आप उसका इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो इसको काउंटर कर सके, दैट्स इट। आपने कहा हमारे साथ जुड़िए, अब आपके साथ जुड़ने का तरीका क्या है, आप ज़रा वो भी बता दीजिए। जी, हमारे साथ जुड़ने का तरीका है, आप वेबसाइट पे जाइएगा www.enobler.co.in enobler.co.in और हमारा फ़ोन नंबर भी है 9086088305, कभी भी कॉल कीजिए, बुकिंग कीजिए एंड वी आर देयर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये है कि अपने आप को स्ट्रेस के गहराव में इतना भी नीचे मत ले जाइए कि हमें ये दुनिया ही ऐसी लगने लगे कि ये दुनिया पराई है और हम इसमें रहना नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया में अगर रहेंगे नहीं तो इस दुनिया को एक्सप्लोर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया एक ऐसी है जिसको जितना एक्सप्लोर करें उतना ही कम है। क्योंकि कहते हैं ना, जम्मू कश्मीर इतना नहीं है, जम्मू कश्मीर घूमेंगे तो पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर कितना है। वैसे दुनिया का भी है कि दुनिया घूमेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। अपनी लाइफ को संकुचित मत कीजिए, छोटा मत कीजिए, बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी है, आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो मैंने आपको नंबर दिए हैं, अपनी वेबसाइट का बारे में बता दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।